हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धा फैशन। एंड आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इंस्टॉलेशन एंड अनबॉक्सिंग ऑफ दिस कोलैप्सिबल प्लास्टिक वार्डरोब ऑर्गेनाइजर और अ कबर्ड, यू कैन से स्मॉल कबर्ड या फिर एक शू रैक भी आप कह सकते हैं इसको। यू कैन सी यहाँ पे है इसके 10 लेयर्स। लेयर्स आर बेसिकली दीज आर द लेयर्स और वैसे इसके जो फ्लैप्स हैं दीज आर फाइव कैबिनेट्स। तो ये है इसका पूरा लुक, आप देख सकते हैं इसका पूरा लुक इस तरीके से, जिसमें की है 10 लेयर्स एंड 5 कंपार्टमेंट्स। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं यूजिंग दिस मच ऑफ स्पेस तो आप ये फ्लैप डाल सकते हैं, अदरवाइज दिस इज अ ऑप्शनल फ्लैप। अगर आपको पूरा स्पेस यूज करना है यू कैन जस्ट रिमूव दिस फ्लैप एंड यूज इट कम्प्लीटली एज वन कंपार्टमेंट। मैंने आपको इंस्टॉलेशन में कंप्लीट व्यू दिखाया है तो इसको आप 10 लेयर्स बना सकते हैं। ये काफ़ी स्टर्डी है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। इफ़ यू वांट तो आप इसको सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं राधर देन यूज इट एज अ कंप्लीट यूनिट। यू कैन यूज इट एज सेपरेट यूनिट्स एज वेल, विच आई एम ऑल्सो गोइंग टू ट्राई आउट एज सेपरेट यूनिट्स। तो चलिए देखते हैं आज का इंस्टॉलेशन और अनबॉक्सिंग ऑफ दिस शू रैक और कबर्ड। Let's get started. So let's start. ये है इसमें कुछ अटैचमेंट्स जो इसके साथ आते हैं। ये कुछ छोटे अटैचमेंट्स होते हैं जो इस तरीके से होते हैं। अभी जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आने लगेगा। और ये आता है इसके साथ एक हैमर, बेसिकली इसको फिक्स करने के लिए ये हैमर यूज होता है। अभी मैं आपको करके बताऊंगी कैसे होता है यूज। यहाँ मैंने ऑर्डर किया है वाइट कलर में, आप अलग अलग कलर चॉइसेस होते हैं इसमें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं अलग कलर्स में भी, लाइक ब्लैक, ग्रीन, काफ़ी सारे इसके कलर वेरिएशन है। बट आज के लिए मैंने ऑर्डर किया है वाइट कलर, तो आई शो यू दिस वन। इसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं एक यूज़र मैनुअल भी दिया गया है जो मैं आपको अभी ओपन करके भी दिखाऊंगी। लेट्स क्विकली टेक इट आउट ऑफ द बबल रैप एंड आई शो यू द इंस्टॉलेशन। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये है यूज़र मैनुअल। बेसिकली ये एक शू कैबिनेट है बट आज मैं इसको असेंबल करके बेबी का वार्डरोब की तरह यूज़ करने वाली हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे सारे इमेजेस दिए गए हैं, जिसमें से कि ये जो बड़ा वाला फ्लैप है, आई मीन जो पार्टीशंस है वो हमको मिला है अराउंड 16। जो स्मॉल वाला है दैट इज़ दिस वन, दैट ऑल्सो इट इज़ लाइक 10 नंबर्स। कैबिनेट का जो डोर्स है वो हमें मिला है 5 पीसेस। एंड ये वाले जो अटैचमेंट्स हैं, यानी कि आप देख सकते हैं ये वाले अटैचमेंट्स, ये हमें मिले हैं अराउंड 24। और जो छोटे अटैचमेंट्स हैं यानी कि ये वाले, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी इंस्टॉलेशन में कि ये कहाँ लगेंगे, ये वाले हमें मिले हैं 20 पीसेस। एंड अलॉन्ग विद इट हमें मिला है साथ में एक हैमर। काफ़ी इजी एंड क्विक है, दिस इज़ बेसिकली एन 8-स्टेप प्रोसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे इंस्टॉलेशन प्रोसीजर क्लियरली मेंशन है, तो इसको हम देख के इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अकेले में भी कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प टेकन फ्रॉम एनीवन एल्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंस्टॉलेशन क्विकली, लेट्स गेट स्टार्टेड। टू स्टार्ट विद वी टेक द लार्जेस्ट साइज फ्लैप, इस पर हम फिक्स करेंगे द अटैचमेंट्स, कॉर्नर अटैचमेंट लाइक दिस। इजीली हो रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस अटैचमेंट को फिक्स कर दिया है। पीछे से भी सिमिलर पैटर्न में हम फिक्स करेंगे, साइड कॉर्नर्स यहाँ पे आएगा, स्मॉलर पैटर्न को हम फिक्स करेंगे यहाँ पे। Again, we'll take the larger, fix it here. And it's done.
वैसे आप बिना हैमर के भी कर सकते हैं, बट टू एंश्योर दैट इट इज फिक्स प्रॉपरली यू हैव टू हिट द हैमर. सो यू कैन सी गाइस, हमने इस तरीके से फर्स्ट वाला कंपार्टमेंट फिक्स कर दिया है. यू कैन से 5-layer कैबिनेट, जिसमें से यू कैन टेक आउट 10 layers, यानी कि जो मैंने आपको दूसरा अटैचमेंट्स दिखाया था विच इज दिस वन, दिस वन कैन बी फिक्स्ड हियर बेसिकली दोनों तरफ. एंड आप एक लार्ज फ्लैप इसमें इस तरीके से एंटर करके यू कैन फिक्स इट ओवर हियर यूजिंग दिस अटैचमेंट. लेट मी क्विकली शो यू दिस एज वेल. दिस इज द स्मॉल अटैचमेंट. मी टेल यू हाउ टू अटैच दिस. जस्ट ओपन दिस स्मॉलर वंस एंड फिक्स इट हियर टिल इट फिक्सेस प्रॉपरली लाइक दिस. कैन यू सी दैट? नाउ इट्स फिक्स्ड. Similarly, you have to fix it on all 4 sides like this. Just fix it properly. All 4 sides. Now the next thing is take a bigger flap, fix it to this. Properly fix it. Now it's done. Now you can keep your stuffs over here. So you have got 2 compartments here. Similarly, we'll fix the upper attachment. Again, take the bigger size once and fix it here. Fix it till it clicks. I'll show you how to fix this door. So basically the door is something which is really important part, and however you want, you can just, you have to fix it over here like this. So for this you have to fix it inside. Just fix it here and here, the outer ones. And the door is done. So this is how you fix the cabinet. Check it out. This is 1 compartment with 2 layers. Similarly, you have 5 compartments with 10 layers altogether. So let me quickly fix it all and show it to you. Once the first compartment is done, it is really quick and easy to fix the rest of the compartments. Just check out, because you already have the attachments fixed to it. The top layer. Okay guys, one more common mistake that I was also doing, so I'm going to highlight that. Whenever you are fixing this side flap, make sure this is on your sides and not at the top. So you have to fix it like this. Just check. So that if you want the middle flap in between, you don't miss out on this gap. I hope you are able to see it.
Let me just give a closer view for this. So this is the gap that you need to keep on the side and not at the top. So always fix the side layer like this. सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा गाइज. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा. ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, काफ़ी स्टर्डी है. यू कैन चेक आउट द हाइट ऑफ द एंटायर कबर्ड एंड मैं भी इसको सेपरेटली यूज़ करने वाली हूँ, तो आप अगर चाहें तो इसको नॉट एज अ कम्प्लीट यूनिट बट आप सेपरेटली भी इसको यूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन ट्राई आउट दिस. I give it a complete thumbs up. With this, I sign out. Thanks for watching, guys.